चंदन मुजफ्फरनगर स्थित डीएम कार्यालय पर आज दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्कूल की फीस वृद्धि और मनमानी लॉकडाउन में बच्चों की स्कूलों की फीस माफी को लेकर स्कूलों के खिलाफ जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हरेंद्र त्यागी ने कहा कि अगर जिला प्रशासन और सरकार लॉकडाउन के 3 महीनों की फीस माफ नहीं करती है तो हम सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष हरेंद्र त्यागी, कांग्रेस नेता चुनेद रऊ, दिलशाद त्यागी, सतीश शर्मा, बल्कीश चौधरी सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। किस तरह को लेकर ज्ञापन दिया? आज माननीय महामहिम जी को हमने जो ज्ञापन दिया है हम लोगों ने, COVID-19 में जो ये चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लगातार 3-4 महीने लॉकडाउन चला है और स्कूल बंद रहे हैं, उसके बाद भी टीचर दबाव डाल रहे हैं, प्रिंसिपल दबाव डाल रहे हैं बच्चों के ऊपर, फीस जमा करें, आपको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जब मार्केट बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, पूरा हिंदुस्तान बंद है, तो बच्चे फीस कहाँ से देंगे, उनके माँ बाप फीस कहाँ से देंगे उन लोगों के लिए। तो आपने कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग, इस पर कोई असर नहीं हो रहा, यदि नहीं होगा तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे इस चीज़ के लिए। लगातार कई एक महीने से आप ज्ञापन दे रहे हैं, जी जी, क्यों हल नहीं निकल रहा, क्या कारण है? सरकार देखना नहीं चाह रही, सरकार का इधर ध्यान नहीं है, सरकार का तो केवल ध्यान और तरफ ध्यान है, सरकार का तो अपनी वोटों की तरफ ध्यान है, व्यापार कारोबार की तरफ ध्यान ही है सरकार का। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इसमें फीस माफ होनी चाहिए, बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए, बिजली का जो बिल है वो माफ होना चाहिए। आप ये देखें, जब व्यापार कारोबार नहीं रहा है, चौपट हो चुका है, लोग बाग परेशान हैं, तरह तरह ही हैं, इन लोग नीचे नहीं देख रहे हैं, लोग बाग खून बेच बेच के अपना घर चलाया लोगों ने लॉकडाउन में, मेरे पास उन लोगों के नंबर है उन चीज़ के लिए, आप घर जाके देखिए लोगों की स्थिति क्या है, 3-3 दिन लोग बच्चे भुखे रहे हैं और ये लोग बाग प्रशासन सो रहा है चीज़ में लिए, ये अपनी मस्ती में मस्त है। क्या मतलब अगर नहीं फीस माफ हुई, 3 महीने की फीस माफ होनी चाहिए, 3 महीने का बिजली बिल माफ होना चाहिए, यदि ये लोग नहीं करते तो हम लोग पूरी कांग्रेस कमेटी, पूरा जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी सड़कों पर। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।